आज डाउटनेट डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान, विज्ञान विज्ञान भौतिक और जीव के करें नमस्कार दोस्तों प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है आइए समझते इसमें जो दिया है ये पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताया है तो आइए समझते पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पाद को और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता की संख्या जीव भार और संचित ऊर्जा सभी में एक संबंध होता है उसी संबंध को जो है एक चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है तो जो चित्र के द्वारा दिखाया जाता है उसे कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं यह पिरामिड इस तरीके से बनता है एक ऊर्जा का पिरामिड देख लेते हैं इस तरीके से पिरामिड बनता है ये पिरामिड है यह ऊर्जा का पिरामिड है पहले जो है सबसे नीचे जो है वह बनता है उत्पादक ये उत्पादक है उत्पादक जो होते हैं वह पेड़ पौधे होते हैं पेड़ पौधे होते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य से अपना भोजन लेते हैं सूर्य से ऊर्जा लेते हैं तो मान लीजिए इतना ऊर्जा उन्होंने लिया जूल में ऊर्जा ले लिया सूर्य से कौन उत्पादक पेड़ पौधे फिर ये ऊर्जा जो है यहाँ पहुंचती है प्राथमिक उपभोक्ता के पास उपभोक्ता के पास पहुंचती है तो ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आते हैं बकरी आ जाएगा भेड़ आ जाएगा गाय आ जाता है तो ये सब आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में ये क्या करेंगे ये जो है पेड़ पौधे को खाएंगे तो इसकी जो ऊर्जा है वो इनके पास थोड़ी सी चली जाएगी पूरी नहीं जाती है ऊर्जा का स्तर जो है वो घटता जाता है तो ये जो है यहाँ आ जाता है फिर यहाँ होता है द्वितीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता में कौन होते हैं ये होते हैं चिड़िया ये सब द्वितीय उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी होते हैं तो ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेंगे तो इसकी ऊर्जा जो है वह मान लीजिए इतना जाएगी पूरी तो जाएगी नहीं ऊर्जा जो है पूरी नहीं जाती है तो ये ऊर्जा इतनी चली गई फिर उसके बाद यहाँ होते हैं यहाँ होता है तृतीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता में क्या होते हैं उसमें आते हैं शेर बाज ये सब आते हैं तृतीय उपभोक्ता में जो सरपरी मांसाहारी होते हैं तो ये जो है वह द्वितीय उपभोक्ता को खा लेंगे तो इसकी ऊर्जा जो है और घट जाएगी तो यहाँ ऊर्जा पहुंचेगी दस जूल तक तो ये ऊर्जा जो है लगातार घटती जा रही है इसी को जो है ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं तो ऊर्जा जो है हमेशा पारिस्थितिक तंत्र में है उच्च उच पोषकों का स्तर का जो है वो घटता जाता है इस तरीके से तो आइए अब प्रश्न पे चलते हैं अब देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है पहला दिया है एक अकेला जीव कई पोषक रीतियों पर भोजन कर सकता है क्योंकि जो है जैसे मान लीजिए चिड़िया है चिड़िया है तो वो जो है उत्पादक को भी खाएगी मतलब दाना भी खाएगी और क्या खाएगा कीड़े को भी खाएगा तो ये जो है कई पोषण रीतियों को जो है भोजन कर सकती है तो ये सही हो जाएगा दूसरा दिया है दूसरा दिया पर्दाहारी सभी पोषण रीतियों पर भोजन करते हैं केवल उत्पादक स्तर को छोड़कर तो ये गलत हो जाएगा क्यों जो पर्दाहारी होते हैं सभी सड़े गेले पदार्थों को खाते हैं उनको भोजन के रूप में उन्हें कहते हैं पर्दाहारी तो ये जो है ये सभी पोषण रीतियों पर भोजन करेंगे चाहे वो उत्पादक हो चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो चाहे द्वितीय उपभोक्ता वो सभी को खाएंगे तो ये जो है इसीलिए ये गलत हो जाएगा तीसरा दिया है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं तो ये सही हो जाएगा इसमें जो है बकरी गाय सब शाकाहारी आते हैं तो ये सही हो जाएगा चौथा दिया ऊर्जा का पिरामिड परितंत्र में उच्च पोषण स्तर की ओर घटता जाता तो ये भी सही है अभी हमने देखा है कि जो ऊर्जा का स्तर पहले उत्पादक में ज्यादा था फिर तृतीय उपभोक्ता में आते-आते दस जूल केवल बचा तो इस तरह से घटता जाता है तो ये सही हो जाएगा तो हमारा विकल्प जो है पूछा है नहीं है तो विकल्प बी सही हो जाएगा तो आशा करते इस प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा धन्यवाद कक्षा छवी से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी जेई वो एडवांस के लेवल तक कर, एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर